ओशो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप कराटे का बेल्ट बांधते हैं तो बेल्ट बांधते समय आपको कौन कौन से बात पे ध्यान देना है, यानी कि कौन कौन से रूल्स है जिनको आपको फॉलो करना होगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूं जिसमें सिखाया हूं कि आपको कराटे का बेल्ट किस प्रकार से बांधना है। बेसिकली आप उसको जाकर सीख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है या आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आपको कौन कौन सा रूल फॉलो करना है। तो आपको सारे रूल अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने तीन बेल्ट लिया है, जो कि मेरे हाथ में है, एक ब्राउन, एक वाइट, एक ब्लू, और जो मैं पहना हूँ एक ब्लैक बेल्ट। मैं चारों का रूल बताऊंगा, यानी कि चार टाइप के रूल्स, मतलब एक कॉमनली मान लीजिए कि आपको इस प्रकार से आपको ऐसा फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सारे बेल्ट को साइड में रख लेते हैं और अपना हम बेल्ट खोल लेते हैं, ब्लैक बेल्ट। तो हम ब्लैक बेल्ट को भी साइड में रख लेते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लू बेल्ट से। बेल्ट का कलर अभी कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि देखिए जैसे आपको बेल्ट बांधने आता है कॉमनली इसको फटाफट बांध लीजिए, जैसे बांधना सिखाया था मैं वैसे ही आपको फटाफट बांध लेना है इस बेल्ट को। अगर आपको नहीं बांधने आता है तो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं कि बेल्ट को किस प्रकार से बांधा जाता है। ये हो गया बेल्ट, बंधा गया ब्लू बेल्ट। तो देखिए इस बेल्ट को बांधते समय मैंने आपको कोई रूल नहीं बताया, क्योंकि ये पूरा प्लेन बेल्ट है, इसमें ना कोई टैग है और ना ही इसमें कोई रैंक है। तो अगर आपके पास ऐसा बेल्ट है, कलर बेल्ट से आप वाइट बेल्ट है, तो आपके बेल्ट में कोई टैग नहीं है, तो आप किसी साइड भी कोई भी एंड किसी साइड में रखिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट बेल्ट को देखते हैं कि उसको आपको किस प्रकार से, नेक्स्ट रूल कौन सा है आपको फॉलो करना है। फटाफट हम इस बेल्ट को खोल लेते हैं। अब हम लेते हैं, तो अब मैं लेता हूँ वाइट बेल्ट। चलिए वाइट बेल्ट है, लेकिन इसमें एक खास बात है, इसमें एक टैग लगा हुआ है, तो आपको इस टैग को ध्यान में रखते हुए आपको अपना बेल्ट बांधना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको बांधने के लिए कौन सा। सबसे पहले आपको रूल मालूम ही है, बराबर कर लेना है। फर्स्ट रूल, दोनों बेल्ट का एंड आपको इक्वल होना चाहिए। ये हम इक्वल कर लिए फटाफट। हाँ, तो अब इसको क्या करना है, जिसमें टैग लगा हुआ है आपको वो वाला साइड अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, जो टैग लगा हुआ है उसको अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, और जैसे बेल्ट बांधते हैं हम वैसे फटाफट आपको बांध लेना है। चलिए वीडियो फास्ट कर देते हैं। क्या करना था, जिसमें टैग लगा था वो वाला टैग आपको लेफ्ट हैंड में पकड़े थे, अब वो राइट हैंड में आ गया है। तो बेसिकली आपका स्टाइल का लोगो हो या स्टाइल का टैग हो या ब्रांडिंग हो बेल्ट का, तो आपको क्या करना है, उसको राइट साइड में रखना है। तो ये हो गया सेकेंड रूल। एक जो आपको ऐसे नॉर्मल बेल्ट आते हैं, ना उसमें कोई लोगो होता है, ना स्टाइल का टैग होता है, ना ब्रांडिंग का टैग होता है, तो आपको उसका एंड किसी भी साइड रखे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिसमें टैग है, ब्रांडिंग है, लोगो है, तो उसको आपको राइट साइड में रखना है। ये हुआ। तो अब चलिए हम नेक्स्ट बेल्ट आपको दिखाता हूँ, और फिर आपको दिखाता हूँ कि आपको और कौन कौन से रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए इस बेल्ट को फटाफट खोल लेते हैं। अब मैं लिया हूँ ब्राउन बेल्ट। इसमें क्या खास बात है और ये ब्राउन बेल्ट को आपको किस प्रकार से पहनना है, ये देखिए इसमें लगा हुआ है रैंक, क्यू का रैंक लगा हुआ, ये सेकेंड क्यू का बेल्ट है। तो आपको इसको किस प्रकार से बांधना हो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको इक्वल करना है, जैसे कि आपको मालूम है, और अभी जो मैंने बताया जिस साइड टैग है या उसमें टैग था तो उसको लेफ्ट में पकड़े थे, अब इसमें क्यू है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ेंगे और इसको इस प्रकार से फटाफट बांध लेंगे, जैसे कि मैंने सिखाया है। अगर आपको नहीं आता है बेल्ट बांधना है, तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके पहले उस वीडियो को देख लें। बेसिकली ये हो गया हमारा ब्राउन बेल्ट, जिसमें कि टैग लगा हुआ है, रैंक लगा हुआ है, तो आपको इस प्रकार से फटाफट बांध लेना है। और ये जो हम रैंक बांधे हैं उसको राइट साइड में लाना है। अगर आपका बेल्ट में कोई रैंक है तो उसको राइट साइड में लाना है, टैग है तो उसको राइट साइड में लाना है। मैंने एक ही बेल्ट पहन के आपको बता सकता था, लेकिन मैंने अलग अलग बेल्ट लिया, अलग अलग कलर लिया, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लैक बेल्ट को पहनने के लिए कौन कौन से रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट मैं इस बेल्ट को पहले खोल देता हूँ। अब मैं लिया हूँ ब्लैक बेल्ट, और आपको ब्लैक बेल्ट पहनते समय कौन कौन से बात को ध्यान रखना है, कौन कौन से रूल को फॉलो करना है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे कि सिंपल रूल है, आपको इक्वल कर लेना है, फिर आपको मिडिल में पकड़ना है, और इस प्रकार से आपको जैसे बेल्ट बांधते हैं नॉर्मली बांधना है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जहाँ आपके नाम है उसके नीचे आपका
डैन रहता है, यानी कि आप कौन से रैंक में, ब्लैक बेल्ट का जो रैंक होता है उसको डैन बोलते हैं, DAN डैन। तो यहाँ पे आपका डैन रहेगा। अगर नाम नहीं है ये और ये स्टाइल का नेम भी नहीं है तो उस समय आपका ध्यान रखना है जिधर आपका डैन है तो उसको किधर रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ना है। जैसे कि हम ब्राउन साइड ब्राउन बेल्ट में देखे थे उसको आपको लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। और जैसे हम सिंपली बांधते हैं बेल्ट, जो कि मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आपको जाकर वहाँ से बांधना सीख लेना होगा अगर आपको नहीं आता है तो। ये हम बांध लिए बेल्ट। तो आपको यहाँ क्या करना है, जो आपका नाम है, नाम के नीचे आपका डैन रहता है तो उसको रखना है आपको राइट साइड, और आपका अगर स्टाइल का नेम है तो उसको रखना है लेफ्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आगे सीखते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो किसी को ज़रूरत है तो उसके संग इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओश एवरीवन।